अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, पेज नंबर 26 पे है। ये चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 हम लोग जो है वो करने लगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, वो है 10 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहली बात कि आज हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने नंबर ऑफ आयंस मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है इन द गिवन कंपाउंड्स। अब हमारे पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो मास गिवन है, और मास को हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना है, लेकर जाना है। तो नंबर ऑफ आयंस हम लोगों ने टोटल फाइंड आउट करने हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे अगर उसकी क्वांटिटी है, उसका मास 10 ग्राम गिवन है। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एल्युमिनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, एल्युमिनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में होता है, मतलब कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। करना हमें ये होगा कि पहले हम लोग मास जो कि गिवन है उसको लेके जाएंगे हम लोग नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स में। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है, एल्युमिनियम क्लोराइड एक फॉर्मूला यूनिट है। और फिर उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जितने आयंस बनने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जब आयनिक कंपाउंड्स को या कंपाउंड्स को हम लोग पानी में डालते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो करना हमें ये होगा कि हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ आयंस नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम लोगों को पहले 10 ग्राम में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड टोटल जुड़े हुए कितना है, एल्युमिनियम क्लोराइड टोटल कितने, मतलब कि उसके अंदर कितने उसके क्या हैं फार्मूला यूनिट्स हैं, और फिर वो फार्मूला यूनिट्स जितने आयंस में टूटता है फिर वो हम टोटल आयंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल डायरेक्ट हमारे पास ये फार्मूला जो लगेगा, उसके बाद मजीद कैलकुलेशन होंगी, मतलब हमारे पास ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। तो हम न्यूमेरिकल का सॉल्व करने की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो हमें डेटा बता रहा है कि जो मैस है, मैस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड कितना गिवन है हमारे पास, 10 ग्राम गिवन है। ओके, अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में हमारे से डिमांड ये है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्वांटिटी आयंस की नहीं दी हुई, क्वांटिटी यानी कि मैस हमारे पास फार्मूला यूनिट का दिया हुआ है, इसलिए मैस पहले फार्मूला यूनिट निकालेगा और फिर फार्मूला यूनिट से आगे टोटल नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। जी, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट एक पार्टिकल का नाम है, तो मतलब हमारे पास ये वाला क्या लग रहा है,
फॉर्मूला लगेगा। तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब फिर वही बात है, हमारे पास मोल्स गिवन नहीं है, तो मोल को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मोल निकालने का क्या तरीका है हमारे पास? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। जी, तो मैस हमारे पास कितना है? मैस हमारे पास दिया हुआ है 10। मोलर मैस हमारे पास दिया हुआ है, मोलर मैस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास है एलुमिनियम क्लोराइड कंपाउंड है। एलुमिनियम का मैस होता है 27, क्लोरीन का होता है 35.5। कितने क्लोरीन के एटम्स हैं? 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? एलुमिनियम क्लोराइड का मैस निकलता है 133.5 ग्राम पर मोल। तो मैस ओवर मोलर मैस हमारे पास दिया हुआ 10, मोलर मैस है 133.5। तो स्टूडेंट्स, मोलर मैस क्या निकला, मोल्स क्या निकले? टेन ओवर 133.5 करें तो हमारे पास 0.0749, ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स निकल आए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या करेंगे? वही नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड मोल की 0.0749 ये मोल्स निकले हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से? इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻²। तो जब आप इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, कितने फार्मूला यूनिट्स निकल रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के? 4.51 × 10⁻²। ठीक, तो ये हमारे पास आ गए फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या निकला है हमारे पास? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। यस स्टूडेंट्स, देखें ये जो आंसर अभी निकला है, ये आंसर हमें बता रहा है कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड के इतने फार्मूला यूनिट्स होते हैं, आयंस नहीं निकले ये। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग अगर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, अगर हम केमिकल इक्वेशन में देखें, देखें हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जब ये आयोनाइज होता है यानी कि ये पानी में डिजॉल्व होगा, तो ये एल्यूमिनियम का वन आयन प्रोड्यूस करेगा और थ्री आयन्स यानी कि 3 मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके? क्लोराइड के। तो टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 4।
ठीक है, 1 और 3, 4, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये वन फॉर्मूला यूनिट है ना, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस, सॉरी, 4 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। देन 4.51 × 10^22 फार्मूला यूनिट्स कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, 1 फार्मूला यूनिट 4 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो देन 4.51 × 10^22 फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कितने प्रोड्यूस करेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4.51 × 10^22। ठीक, तो 4 × 10^22। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? यस, आंसर जो आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.80 × 10^23 आयंस। टोटल आयंस निकल आए हमारे पास एल्यूमिनियम के भी और क्लोराइड के भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यस स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता दूं, हमारे पास जब भी हम लोगों ने नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने होते हैं और हमारे पास गिवन जो क्वांटिटी है या मास है वो किसका है? कंपाउंड का है, फुल कंपाउंड का है। तो हमें पहले कंपाउंड से उसके नंबर फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे यहाँ पर, और फिर फार्मूला यूनिट से जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास मालूम किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार होगा, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा। बी पार्ट, 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। जी, डेटा क्या है हमारे पास? मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना गिवन है? 30 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हुए हैं उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हुए हैं। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, लिहाजा हम लोग को फिर क्या करना है? प्रीवियस पार्ट की तरह ही पहले 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं कि 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड में फार्मूला यूनिट्स का नंबर कितना होता है। तो मैं क्या कहूँगी? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो फार्मूला यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला फार्मूला है, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल हमारे पास नहीं गिवन, निकाल लें मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। जी, तो स्टूडेंट्स मैस कितना गिवन है? 30। मोलर मैस निकाल लेते हैं बेरियम का, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का होता है 137
एक ही एटम है, क्लोराइड के टू एटम्स हैं, 35.5 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितना निकलेगा, 208 ग्राम पर मोल, 208। जी 30/208 तो कितने मोल लिख रहे हैं, 0.144 मोल। ये हमारे पास मोल्स निकल आए किसके, बेरियम क्लोराइड के। अब सिंपल इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फार्मूला में पुट करें मोल्स को, 0.144 और उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रोस नंबर से, 6.02 × 10^23। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा हमारे पास, हमारे पास आंसर आ रहा है 8.68 × 10^22 फार्मूला यूनिट्स आ गई। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। जी स्टूडेंट्स ये तो आ गई फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। सवाल उन्होंने पूछा हुआ है आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं, तो फिर हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, आयोनाइजेशन की जो केमिकल इक्वेशन होती है, जब कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड आयोनाइज हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब बेरियम क्लोराइड आयोनाइज होता है तो वो बेरियम का एक आयन देता है और क्लोराइड के दो आयंस देता है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी मैं, वन फार्मूला यूनिट ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, 3। तो 8.68 × 10^22 फार्मूला यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करेगा, 8.68 × 10^22 फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 3 आयंस है टोटल, इसको मल्टीप्लाई कर दे 8.68 × 10^22। तो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.60 × 10^23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फार्मूला यूनिट्स निकल आई बेरियम क्लोराइड की। यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सी है, 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में, ठीक है एक्वस फॉर्म में, ये नीचे लिखा हुआ है AQ, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ये आयंस में स्प्लिट हुआ होगा, ठीक है आयंस देगा। ठीक, तो हमारे पास हम लोग, मैं इसका डेटा लिखती हूँ, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन है, 58 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है फाइंड आउट करना है हमारे पास टोटल आयंस, यानी कि जब उसको पानी में डाल दिया हम लोगों ने तो जितने भी आयंस में वो स्प्लिट हुआ है उनका नंबर फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करना है। अब गिवन हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो मैस है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, ठीक है वो आयंस का नहीं दिया हुआ, वो सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, लिहाजा पहले हम मैस से क्या करेंगे,
सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो मोलेकुलर सब्सटेंस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है सल्फ्यूरिक एसिड का वो मॉलिक्यूल है ना कि फार्मूला यूनिट। प्रीवियस हमारे पास एग्जांपल्स में फार्मूला यूनिट्स थे जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड था। सल्फ्यूरिक एसिड मोलेकुलर कंपाउंड है, लिहाजा यहाँ पर हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे ना कि फार्मूला यूनिट्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स हमारे पास नहीं है, मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। मास गिवन है 58 ग्राम, मोलर मास इसका होता है 98। ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है। हाइड्रोजन का वन होता है एटॉमिक जो मास होता है इनटू टू, टू हाइड्रोजन है, सल्फर 32 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 होता है, फोर एटम्स है तो इनटू फोर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल क्या आ रहा है हमारे पास, इसका मोलर मास आ रहा है। तो 58 ओवर 98 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.592। ये हमारे पास आ गए किसके मोल्स, सल्फ्यूरिक एसिड की गिवन क्वांटिटी, यानी कि 58 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 0.592 मोल्स के इक्वल होता है। अब सिंपल इन मोल्स को फार्मूला में पुट करें और आंसर हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मोल्स 0.592 पुट किया इनटू एवोगाड्रोस नंबर, फिक्स क्वांटिटी होती है 6.022 × 10^23। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितने मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, 3.56 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जी, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स निकल आए, 3.56 × 10^23। ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकले हैं। हमने फाइंड आउट करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इस क्वांटिटी में, इन क्वांटिटीज में का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में उसके कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जो केमिकल इक्वेशन है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइज होने की, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। जब ये आयोनाइज होता है तो ये देखें H2 यानी कि टू आयंस हाइड्रोजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं और सल्फेट का वन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या लिखूंगी मैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 3 आयंस। देन 3.56 × 10^23 मॉलिक्यूल्स कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, 3.56 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, 3 × 3.56 × 10^23। जी, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, वन पॉइंट
जीरो सिक्स एट इंटू 10^24। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आयंस, यानी कि इतने आयंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास जब 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आयोनाइज होता है। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, टोटल थ्री हम लोगों ने पार्ट्स किए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसमें हम लोगों ने मैस गिवन था और उसको हमने उससे टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने थे। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा था, फार्मूले से क्योंकि हमारे पास कंपाउंड गिवन है तो कंपाउंड को पहले हम लोग लेके जाएंगे उसके रिस्पेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि वो कंपाउंड मॉलिक्यूल का बना हुआ है या फार्मूला यूनिट्स का बना हुआ है। पहले गिवन मैथ में हम निकालेंगे फार्मूला यूनिट्स या फिर मॉलिक्यूल्स, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को आगे से फर्दर देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स कितने आयंस प्रोड्यूस करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।